एनसीईआरटी फोर पॉइंट वन एनसीईआरटी वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन फोर्टीन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई. एल जो है वो सभी लाइंस का सेट है, स्ट्रेट लाइन का सेट है एक्स वाई प्लेन में. एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर लाइन L1 लाइन L2 से रिलेटेड होगा यदि L1 और L2 दोनों पैरेलल हो. पैरेलल मतलब समानांतर हो. तो सो दैट द रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन में एल है. सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस मतलब सरल रेखाओं का समुच्चय. सेट ऑफ लाइंस सरल रेखाओं का समुच्चय मतलब ये जो सेट है इस सेट में जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे सब इसमें रहे. और रिलेशन है आर इक्वल टू एल वन. एल वन का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन एल वन एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरे स्ट्रेट लाइन एल टू से रिलेटेड होगा. यदि एल वन इज पैरेलल टू एल टू, यदि एल वन L2 के पैरेलल होगा तो L1 L2 से रिलेटेड हो. तो अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ये बताना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा. तो देखिए कि सिंस एनी लाइन सिंस एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होते हैं. मतलब एल इन पैरेलल टू एल, प्रत्येक लाइन स्वयं का पैरेलल हो. तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइन स्वयं के समानांतर होते हैं देन एल वन एल टू, एल वन बिलोंग्स टू आर मतलब लाइन L1 से रिलेटेड हो. और चूंकि रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट है कि कोई भी लाइन यदि सेट का कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. तो L1 L1 के पैरेलल है मतलब L1 L1 बिलोंग्स टू R, देन R इज
रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए सिमेट्रिसिटी, तो एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर, मतलब एल वन इज पैरेलल, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, एल वन जो है एल टू के पैरेलल है। हम लिख सकते हैं एल टू इज पैरेलल टू एल वन, देयरफॉर एल टू एल वन बिलोंग्स टू आर। देखिए सिमेट्रिसिटी का रिजल्ट कि एल वन एल टू से रिलेटेड है, एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए। तो एल वन एल टू से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन एल वन स्ट्रेट लाइन एल टू से रिलेटेड है, और यदि एल टू एल वन से रिलेटेड हो जाए, एल टू एल वन से रिलेटेड है, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए ये लाइन है, ये लाइन एल वन है और ये लाइन एल टू है। एल वन एल टू के पैरेलल है, एल वन इज पैरेलल टू एल टू। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल टू इज पैरेलल टू एल वन। जब एल वन एल टू के समानांतर होगा तो एल टू एल वन के भी समानांतर होगा, मतलब ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए L1 L2 दो स्ट्रेट लाइन है, बिलोंग्स टू आर, और L2 L3 बिलोंग्स टू आर। L1 L2 से रिलेटेड है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L, L1 इज पैरेलल टू L, L2 L3 से रिलेटेड है, मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। अब आप ध्यान से देखेंगे कि L1 L2 से रिलेटेड है, L1 L2 के समानांतर है, और L2 L3 से रिलेटेड है, मतलब L2 और L3 दोनों समानांतर है। तो अब आप इस फोटो को देख करके बता सकते हैं कि L1 और L3 भी दोनों समानांतर होगा, पैरेलल होंगे। therefore L1 इज पैरेलल टू एल टू, एल थ्री देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ट्रांजिशन रिलेशन, देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है।
सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इस रिलेशन को बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे देखिए इस सवाल में और बताना है, फिर से एक बार सवाल को देखिए कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, मतलब ये लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, कहता है कि इस लाइन से रिलेटेड और कितने लाइंस हो सकते हैं। तो देखिए ये लाइन है और इस लाइन से रिलेटेड वही लाइन होगा जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू टू एक्स प्लस c, ये लाइन है y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, इस y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू टू एक्स प्लस c, c जहां पर c जो होगा वेयर वेयर एनी कॉन्स्टेंट, जहां पर c जो है कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो देखिए c का वैल्यू इनफाइनाइट हो, क्योंकि c जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c इनफाइनाइट होगा, तो y इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर के पार्ले जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इनफाइनाइट होगा और उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, इस रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं और सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो आप ध्यान से देखें कि रिफ्लेक्सिव होगा, देखिए सेट में वन है तो रिलेशन में वन वन होना चाहिए, देखिए यहां पर वन वन, सेट में टू है तो रिलेशन में टू टू होना चाहिए, ये भी है, सेट में थ्री है तो रिलेशन में थ्री थ्री होना चाहिए, और सेट में फोर है तो रिलेशन में फोर फोर होना चाहिए। मतलब इस सेट में वन है टू है थ्री है फोर है तो जो इससे रिलेशन बनेगा उसमें वन वन हो टू टू हो थ्री थ्री हो और फोर फोर हो तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। मतलब ये जो रिलेशन है इस सेट पर डिफाइन है और ये जो सेट हो इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है, इसलिए ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा कि इसमें सेट में वन है तो रिलेशन में वन वन है, सेट में टू है रिलेशन में टू टू है, सेट में थ्री है रिलेशन में थ्री थ्री है, सेट में फोर है रिलेशन में फोर फोर है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आइए सिमेट्रिक देखिए, देखिए यहाँ वन टू है, वन टू है लेकिन इसमें टू वन नहीं दिया हुआ है, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वन थ्री है थ्री वन नहीं है, थ्री टू है टू थ्री नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो आर रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं,
तो ध्यान से देखें, यहां पर वन थ्री है, वन थ्री सेट में है, थ्री टू भी सेट में है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का होता है कि ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड हो, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। वन थ्री से रिलेटेड है, थ्री टू से रिलेटेड है, ये थ्री थ्री खत्म हो जाएगा, तो क्या बचना चाहिए? वन टू, वन टू से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हुआ, इसलिए ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्या होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर विद अ रिलेशन इन द सेट एन। सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन्फिनिटी का। और रिलेशन है कि ए बी से रिलेटेड है, यदि ए इक्वल टू बी माइनस टू, बी का वैल्यू सिक्स से बड़ा हो, तो इसमें क्या हो सकता है? तो आप सिंपल देख सकते हैं कि बी का वैल्यू जो लेना है वो ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि बी का वैल्यू छः से बड़ा होना चाहिए, तो बी का वैल्यू सात हो सकता है, बी का वैल्यू आठ हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, बी का वैल्यू चार हो नहीं सकता, एक बेचारा ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। मतलब बी का वैल्यू आठ हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो लेकिन ध्यान देना होगा कि जब बी का वैल्यू छः से बड़ा होगा तो ए का वैल्यू ए इक्वल टू बी माइनस टू हो। अब हम लेते हैं ए का वैल्यू से बी का वैल्यू सेवन, तो जब बी का वैल्यू सेवन लेंगे तो ए का वैल्यू फाइव हो जाए, मतलब फाइव और सेवन होगा। यदि फाइव सेवन रहता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन फाइव सेवन नहीं है, एट सेवन है, मतलब ये नहीं होगा, तो डी भी खत्म होगा। अब बी का वैल्यू एट लेते हैं तो एट माइनस टू, तो एट माइनस टू सिक्स हो गया, मतलब बी का वैल्यू सिक्स होगा, ए का वैल्यू सिक्स होगा, बी का वैल्यू एट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स और एट। इसलिए इस क्वेश्चन तब क्या होगा? और इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी खत्म हो गया। एक क्लास यही मेन का लेंगे, जो भी सवाल आया होगा उसको बना देंगे, देखा जाएगा, और उसके बाद फिर से फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से देखिएगा कि वीडियो नंबर एक से स्टार्ट है और आज जो है वो बारहवां नंबर, तेरहवां नंबर वीडियो है, बारह नंबर वीडियो है। तो टोटल जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे रिलेशन का, तो वीडियो वन से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर, फर्स्ट में थ्योरी पढ़ाया गया है। थ्योरी इसलिए पढ़ाया गया है कि आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, चाहे किसी भी बुक का सवाल हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो या फिर आर डी शर्मा हो या फिर एन सी आर टी, सारे सवाल पर का सॉल्यूशन हो गया है। और उसके बाद आप और भी किसी बुक का सवाल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, या फिर कंपटीशन का सवाल देखेंगे उससे भी। तो यदि आप रिलेशन की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे तो वीडियो एक से स्टार्ट करेंगे और वीडियो 12 तक वीडियो देख लेंगे, तो आपका थ्योरी और प्रॉब्लम आपको रिलेशन का सवाल बनाने आ जाएगा। और जहाँ तक हमारा जितना भी, मतलब हम दावे के साथ बोल सकते हैं, जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है 12 वीडियो में, यदि आप देख लेंगे तो आपसे किसी भी बुक का, चाहे वो कंपटीशन का सवाल हो, एक और कंपटीशन कर लेंगे, एक वीडियो और आपको बनाएंगे, और आप मतलब किसी भी वीडियो बुक का सवाल बनाएंगे, किसी भी कंपटीशन का सवाल बनाएंगे रिलेशन का, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, sure।